हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम हो रही है और आरू को लगी है भूख। मैं कह रही हूँ दूध पी ले तो दूध नहीं पी रही है। और आज कौन सा वार है पता नहीं, तारीख क्या है, शायद दो तारीख है ना जी। आज एक तारीख है, पक्का पता है? अच्छा, तो बहुत बड़ा है वो। क्या बनाना था? चीला 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 की तरह से चीला, सूजी का चीला बना दो। हाँ, तुझे तो सब पसंद है, तू कुछ खा ले तब ना। खाता कुछ नहीं है, पसंद सब कुछ है, खाता कुछ नहीं है। मोलू केवल मेरा इडली खाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता। बना लो, मेहनत कर लो और वो सब कुछ बर्बाद। तो यहाँ पर ना मैं आरू के लिए कर रही हूँ तैयारी। सूजी के जो चीले बोल देंगे, हमारी अपनी नॉर्मल देसी भाषा में चीले बोल देंगे, या तो फिर ना क्या बोलते हैं, सूजी के उत्तपम है। यस, उत्तपम बना रही हूँ। लेकिन मेरा तवा खराब हो चुका है और लोहे के तवे पे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। अच्छे बनते हैं कि खराब बनते हैं वो पता नहीं है, लेकिन अभी उसको बनने में टाइम है। तब तक ना मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। तो दूध है ना हल्का सा भी ठंडा है, तो जब तक बनाऊंगी तब तक उसको पेट में ना थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और इतनी बेकार है ना, रोटी खाती नहीं है, सब्जी खाती नहीं है, और उसको बस है ना चाटने वाली जो चीजें होती है ना वो खानी है। और इतना डांटती हूँ ना कि खाना भी प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए। ये सारी चीजें एक अलग हैं, बट खाना भी प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाती। तो अभी उसको मैं दूध दूंगी, उसके बाद यहाँ पे तैयारी मैंने कर ली है। दही ले लिया है और ये बेकिंग सोडा जो होता है वो ले लिया है, और नमक, और यहाँ पे सूजी, और यहाँ पे दही, ये सारी चीजें करके रख ली है। पहले मैं उसको दूध दे के आती हूँ। बड़ी आलसी है खाने पीने के मामले में, बहुत परेशान करती है आरू मुझे सच में। यहाँ पे ना आरू को दूध देकर आ चुकी और सूजी ली है, उसके अंदर मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक, और उसके साथ ना मैं बिल्कुल दो एक चुटकी के करीबन ही डालूंगी यहाँ पे बेकिंग सोडा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मुझे इनको कोई फुलाना वगैरह नहीं है, बस हल्का सा मैंने डाल दिया है ताकि ये सॉफ्ट बने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना एक कटोरी के करीबन डाल दिया है दही, और अब मैं पानी डाल के ना इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आज मैं ना अलग तरह से बना रही थी, प्लेन बैटर बना के, और उसके बाद है ना जो हरी सब्जियाँ वगैरह मैं काटूंगी ना वो इसके अंदर मैं अच्छे से ऐड कर दूंगी। लेकिन आज मैं ऊपर डाल के बना रही हूँ। वैसे मैं क्या करती हूँ, सब्जियाँ वगैरह ना इसी बैटर के साथ में मिक्स कर देती हूँ, बट आज मैंने अलग तरह से बनाया है। लेकिन आरू को ना बाद में मैंने वैसे ही बना के दिया था। जितनी भी सब्जियां मैंने इसमें यूज़ की थी ना वो लास्ट में मैंने बैटर के अंदर ही डाल दी थी, क्योंकि आरू को ना वैसा ही अच्छा लगता है। अगर ऊपर से मैं ना सब्जियां वगैरह डाल के दो ना तो फिर वो क्या करती है कि निकाल निकाल के ना उसमें से फेंक देती है, तो वो मानती नहीं है। तो फिर है ना अभी तो मैं प्लेन ही बना रही हूँ, उसके बाद मैंने वैसा बना दिया था। तो यहाँ पर मेरा जो बैटर है ना वो बिल्कुल जैसा सॉफ्ट मुझे चाहिए, जितना पतला मुझे चाहिए था ना उतना पतला बन गया है। इसको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखती हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा पानी जितना पतला भी नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लोहे के तवे पे बनाए ना, तो देखिए उसका क्या हाल हो गया है। एक्चुअली होता नहीं, लेकिन पता है मैंने क्या किया था, इसको ठंडे तवे पर ही डाल दिया था, उस वजह से ना वो उसके अंदर चिपक गया। वैसे मुझे इतना तो श्योर हो गया कि अगर बन जाएगा, बस तवे को एक बार गर्म करके पानी स्प्रिंकल करके ठंडा करना पड़ेगा, तो लोहे के तवे पर भी बन जाएगा। बट लेकिन ये मेरा ख़राब हो गया, तो जानबूझ के मैंने आपको दिखाई कि लोहे के तवा वाला ख़राब हो गया। और यहाँ पर मेरा जो है ना उत्तपम है ना वो बन के हो चुका है रेडी। लेकिन आरू को है ना ऊपर से सब्जियाँ डाली ना, वो आरू को पसंद नहीं आई। जय ने और मैंने तो खा लिया, हमको तो अच्छा लगा, लेकिन आरू के लिए मैंने पहले जैसा बनाया था, जैसे कि मैं बनाती थी ना, सारे बैटर के अंदर सब्जियां डाल दो, मिला दो और उसके बाद बना दो। और यहाँ पे मेरा तवा भी ख़राब हो चुका है। लेकिन इस महीने मैंने बहुत खर्चा किया है भैया, मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो मैं अभी बिल्कुल भी कोई तवा वगैरह नहीं मंगाऊंगी। जब तक इससे मेरा काम चल रहा है तब तक चला रही हूँ। जब ऐसा लगेगा कि अब काम नहीं हो रहा, और जिस महीने लगेगा कि हाँ भैया मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, तो उस महीने में मंगा लूँगी। और इस महीने मैंने मीशो से भी काफ़ी शॉपिंग की है, अमेजोन से भी काफ़ी शॉपिंग की है, तो भैया पैसा तो सब हमारी जेब से ही जाता है। और फिर फ़ोन का भी ये मेरा खर्चा आ गया बहुत ज़्यादा, यानी खर्च पे खर्च बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बार मैं ना तवा नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि मैं इस बार जो तवा मंगाने की सोच रही हूँ वो थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन उससे ना मुझे यूँ समझ लिए 6-7 महीने की क्या 8-10 साल की छुट्टी मिल जाएगी।
तो यहाँ पर ना मेरा उत्तपम बनके हो चुका है रेडी। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ, नहीं आरू के साथ उत्तपम खाइए, क्योंकि मैं तो देखो शाम का टाइम है, यहाँ पर पानी देने आई हूँ। और आजकल क्या है, गर्मी की वजह से ना ठंडे पानी की डिमांड हो गई है, तो ठंडे पानी है ना वो मुझे खुद अपने हाथों से भर के देना होता है, क्योंकि हर इंसान आके अगर पाइप को छुएगा फिर हम भी उस पाइप को छुएंगे तो बीमारी होने का चांस है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने हाथ से ही है ना भर के दे देती हूँ, मैं किसी और को पाइप वगैरह टच नहीं करने देती हूँ। मैं कह देती हूँ कि मैं अपने हाथ से दे दूंगी, भैया देखो बीमारी चल रही है बुरा मत मानना, इसलिए मैं खुद ही है ना पानी। तो आज हमारे वहाँ की हो गई है लाइट खराब, यानी जो बोलते हैं ना कि फेस उड़ गया बोलते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या होता है वो, तो वो हो गया है। इससे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, जैसे लाइट नहीं एकदम यू यू झप 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 करती है, तो वैसा हो रहा है। तो लाइट का उजाला है ना आज आपको पूरी वीडियो में कम दिखेगा, और आप लोग भगवान से प्रे करो मेरा फोन जल्दी से हो जाए। काफी लोगों ने कहा कि स्क्रीन डल जाती है, आई नो कि स्क्रीन डल जाती है, लेकिन कुछ खुला तो हो ना, तो कोई शॉप खुली और ना ही कोई कंपनी जो वीवो की कंपनी है, इस वजह से फोन सही नहीं हो रहा है। क्योंकि जब कोई दुकानें ही नहीं खुली है तो हम जाएंगे कहाँ पर सही कराने के लिए, बड़ा शहर तो है नहीं कि चलो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुल जाएगा, छोटी से छोटा सा कस्बा है, यहाँ से आगरा भी लेके जाए अगर, कल हम लोग गए थे लेकिन है ना वहाँ पे कुछ भी खुला नहीं था तो वापस आना पड़ा। अब आज गए नहीं है, कल फिर से जाके देखेंगे, इस वजह से बहुत लेट हो रही है। नहीं तो मुझे पता है कि स्क्रीन डल जाती है, लेकिन वही है कि 20,000 का फोन कम से कम 5-6 हजार की स्क्रीन डलेगी। सो कहते ना कि बैठे बिठाए लेना ना देना फालतू का नुकसान। एक तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, गरीबी चल रही है, ऊपर से धड़ाधड़ धड़ाधड़ होली से लेके अब तक इतना नुकसान हुआ है ना कि मैं अंदर काउंट करने बैठू ना तो हिसाब नहीं बैठेगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो चलो मैं ना आज हम लोग डिनर में यही करेंगे, और डिनर हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेट नहीं करना है। और ये आ गया मेला छेतुन, हाँ सेक रही हूँ। तो जय खा के निकलेंगे स्कूल पे, पानी बनाएंगे, लाइट वहां पर भी आ गई है, तो जल्दी से यही बना देती हूँ, और यही आज का हमारा डिनर है और फ्री। मल्लू के कपड़े आ गए, मल्लू के कपड़े आ गए, मल्लू हैप्पी हैप्पी। मल्लू डांस करके दिखा, ऐसे नहीं मटक रहा था ना अभी, ऐसे ऐसे करके। मल्लू के कपड़े आ गए, मल्लू के कपड़े आ गए। कलर कितना बेकार है। तो देखो फ्रेंड्स ये तीन ही आई है ये। तो देखो फ्रेंड्स ये ऐसी है टी शर्ट, अभी खोल के दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसी टी शर्ट है, आपको कलर अच्छा लगा बताना। मुझे नहीं अच्छा लगा, ये कलर चेंज आए, हमने अलग कलर मंगाए थे। ऐसे आज मेरी आई थी, वो भी कलर चेंज आई। मैं अपनी दिखाती हूँ। आज सुबह ना आरू का पार्सल आया, वो भी डिफरेंट हो गया, और ये पार्सल आया ये भी डिफरेंट कलर में आया। ये देखो फ्रेंड्स मेरी कपड़ा फैब्रिक तो अच्छा है, और ये कॉटन में, लेकिन ये 650 रुपए का टॉप है, किसी दिन का नहीं है, मीशो से मंगाया, किसी दिन का नहीं है। मोलू की टी शर्ट में केवल इसका कलर अच्छा है, अदरवाइज एक का भी कलर अच्छा नहीं है। मैं वापस लौटा दूंगी ये तो। मोलू कलर अच्छा नहीं है बेटा, इसका तो ठीक है, वो तो चलेगा, ये कलर बहुत बेकार लग रहा है वाला। आप लोग बताना कलर कैसा है, कल वीडियो जाएगी ना तो बताना, मैं रखू या ना रखू। अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, अरे मुझे तो नहीं, ये वाला कलर तो अच्छा है, वो वाला भी सही है, ग्रीन वाला ये भी अच्छा है। मुझे लग है। बड़ी साइज भी बहुत है, नहीं है। और ये कुछ बड़ी है, गर्मी के मारे हालत खराब हो रखी, अब जाके लाइट सही हुई है और हम लोग मर गए गर्मी में। लेकिन आज हमारा डिनर हो गया, और अभी बज रहे हैं रात के 8, लेकिन हम लोगों ने आज 7:30 बजे ही ना वो चीले बना के खा लिए, और हम कुछ भी नहीं खाएंगे। भैया देखो मेरी हेल्थ, यू नो बॉडी बिल्डर, ये देखो तमी बहुत हो गया भैया। आरू का ये टॉप है ना 650 रुपए का है, जो कि मुझे कत्ते ही पसंद नहीं है, ये 200 रुपए की भी चीज नहीं है, 150 रुपए की चीज है ये केवल, ये भी मुझे चेंज करना है। और फाइनली लाइट आ गई, पंखा लाइट सब चालू करो भैया, मर गए गर्मी में, हालत खराब हो गई आज सब, क्योंकि लाइट होती है एसी चलता है पंखा चलता है तब तो ठीक है, गर्मी का एहसास नहीं होता, बट जैसे ही लाइट जाती है ना हालत खराब। और किचन में बस मुझे क्लीनिंग करनी है,
बाहर जा रही हूँ पानी देने, क्योंकि शाम का टाइम है ना तो काफी लोग है ना आते रहते हैं, और किचन भी बहुत ज्यादा मैसी नहीं है, थोड़े से सिंक में बर्तन पड़े हैं और देखो पूरी साफ है, बस ये सारी चीजें उठा के रखनी है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, आप बताना हमारी टी शर्ट कैसी लगी, मुझे तो गंदी लगी मेरी। अब हम दूसरी मंगाएंगे, अब हम आपको जरूर दिखाएंगे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। गुंजली गुंजली सी, देखो इसकी हेयर स्टाइल, देखो क्या हेयर स्टाइल करवाती है, ये ना चोटी करके मैंने जुड़ा किया है, मेरे हेयर स्टाइल करवाता है मेरा छोना हेयर स्टाइल। कैसी लगी मेरी हेयर स्टाइल? अच्छी लगी मेरी गुड़िया की हेयर स्टाइल। और मुझे कपड़े भी धोने, अब लाइट आ गई। आरू बुनल चला ना बेटा, कपड़े भी डाल दू धोने के लिए, लाइट आ गई है तो। पर देखो भरे पड़े हैं ये सुखाने के लिए रखे हैं, जा ही नहीं पाए, क्या डाल दूंगी डोरी पे, रात में सूख जाएंगे। फ्रेंड्स आप बताना कि बच्चे काम नहीं कर सकते, नहीं ये मुझे कुछ भी नहीं करने देती। पूरी जिंदगी लड़कियों को काम ही करना होता है बेटा, अपनी मम्मी के घर में आराम कर लो, तो क्या पता जिंदगी में कहाँ क्या मिला कैसा मिला है। तेरी मम्मी जैसी तेरी जिंदगी निकल जाए, बस काम काम काम, ना झाड़ू करने देती ना पोछा करने देती, कुछ नहीं करने देती, नहीं करने दूंगी। आप कमेंट में जरूर बताना देते हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्योंकि कल का व्लॉग मैंने अधूरा छोड़ दिया है, मेरा मन ही नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, और देखिए मेरा फोन, अब तो बटन दबा रही हूँ ना तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, कल थोड़ा बहुत तो दिख रहा था ना। और आप लोगों के कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे भी पता है कि इसकी स्क्रीन डल जाएगी, 5-6 हजार रुपए लगेंगे या 7 लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। और मैं इसको किसी मैं ना जो वीवो की कंपनी है ना वहीं पर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसको एक महीना भी नहीं हुआ है, और इंश्योरेंस इसका करवाया नहीं था हमने, क्योंकि हमने यहीं लोकल से ही लिया था, गाँव में से ही, हमारे कस्बे से ही, तो वो मैंने करवाया नहीं था। और अब देखो 5-7 हजार की चोट तो है ही, करना तो पड़ेगा क्योंकि इसके बिना फिर कुछ काम नहीं चलेगा। और मुझे काफी लोगों ने कहा ना कि दी स्क्रीन डल जाती है आप डलवा लो, लेकिन डलवाऊं कहाँ, कोई भी सर्विस सेंटर ओपन नहीं है यहाँ से लेके आगरा तक, मैंने सब चेक कर लिया, और परसों हम लोग खुद गए थे, मैं भी गई थी उनके साथ में, लेकिन कोई सर्विस सेंटर खुला ही नहीं था, और आज कल से थोड़े बहुत ओपन भी हुए हैं तो उनके पास वो सर्विस ही अवेलेबल नहीं है जो कि है ना वो लोग सही करेंगे इसको। तो आज है ना जय फिर से जा रहे हैं, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं, और जय ना अब खाना पीना खा के अब निकल के जा रहे हैं, और घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत और आ गई है, तो क्या पता भगवान उस मुसीबत से हमको कब निकालेगा, बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। आप लोगों को पता है कि राजा के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कैंसर है, आप सबको पता है, 1 साल हो गई इस बात को, लेकिन अब हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। परसों हम लोग उनको हॉस्पिटल देखने भी गए थे, लेकिन मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की क्योंकि माहौल ऐसा था ही नहीं, और कहते दुख के वक्त पे ना फिर वीडियो याद नहीं आती है, क्योंकि दुख इतना जब बड़ा है ना कि मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। तो अब जय वहीं जा रहे हैं, आगरा ही जा रहे हैं उनको देखने के लिए, और वहां से जब देख कर आएंगे तो वो है ना देख करके आएंगे, वहीं जा रहे हैं, भागदौड़ चली रही है। तो अभी ना ये फोन भी सही करा के लाएंगे, देखो अगर आज कोई सर्विस सेंटर खुल जाए तो उस शायद ये सही हो जाए, तो जाएंगे लेकर, और अभी आगरा ही जा रहे हैं। तो इतनी एक के बाद है ना मुसीबतें, जब से यानी 1 साल हो गई, 1 साल से ना घर में शांति का माहौल ही नहीं है, कभी कुछ मुसीबत कभी कुछ मुसीबत, पहले मोलू का एक्सीडेंट हो गया, जेठ की तबीयत खराब हो गई, फिर चाची सास की डेथ हो गई, और अब फिर से ये इतनी सारी मुसीबतें, यानी एक मुसीबत नहीं पूरी मुसीबतों का ना पहाड़ टूटा हुआ पड़ा है। तो शू तो मोलू है, गुड मॉर्निंग बोल दो सबसे। मॉर्निंग मम्मी। पहले मम्मी से नहीं छपचू बोल दो, आप छपचू गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अभी बस सो के उठा है और देखो मास्क लगा के घूम रहा है। नहीं तो अभी जय वहाँ पर जा रहे हैं। मैंने अपने फ्रिज में रख दी। हाँ मैं बात कर लो, और अभी है ना बस जा रहे हो, निकल रहे हो जो तो लो फोन तो लो मेरा, तो अब इसको कहते हैं टाटा बाय बाय, जा रहे हैं मेरा फोन लेके, क्योंकि आगरा जा रहे हैं तो वहाँ कोई ना कोई सर्विस सेंटर मिल जाएगा तो डाल देंगे सही करने के लिए। कल तो थोड़ा बहुत तो उसमें दिख भी रहा था, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। तो बस यही मुझे है ना आप लोगों के ना जो कमेंट आए थे ना इतने सारे, उसके आंसर देने थे क्योंकि मैं कल दे नहीं पाई थी, मूड बहुत ज्यादा खराब है,
एक मुसीबत हो तो इंसान अपना माइंड है ना संतुलन में रखे, चारों तरफ से ना मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। सो इसी वजह से ना मूड भी डिस्टर्ब है, लेकिन अब मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं, क्योंकि एक साल हो गई मुसीबतें झेलते 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 झेलते, अब समझ में नहीं आ रहा। और उनकी हालत तो इतनी ज्यादा गंभीर है ना कि मैं बता नहीं सकती। और मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, लेकिन एक दिन गई थी तो मैं मोलू को लेकर गई थी साथ में, आरू को मैं घर छोड़ के गई थी, हमारे पड़ोस वाले दो लड़कियां हैं दो, उनको अपने घर बिठा के गई थी। लेकिन अब बच्चे को छोड़ के जाना वो भी ठीक नहीं है। हाँ, नरगिस दीदी और शहनाज दीदी, उनको मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी आरू के साथ में, लेकिन रोज रोज मैं इस तरह से जा नहीं सकती। और मोलू को हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में ले जाना, यूनी आप लोग खुद समझ सकते हो कि कैसे। अब मेरे पता है मेरे लिए चारों तरफ से मुसीबत हो जाती है, मैं जाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है और नहीं जाती हूँ तो घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। हाँ अरे आ रही हूँ, तो ये समस्या है कि मैं बार बार वहां पर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना होता है तो मोलू को साथ लेके जाना होता है। सो प्लीज आप लोग प्रे करना कि मुसीबत की जो घड़ी है ना वो चली जाए और वो आईसीयू से बाहर आ जाए। अभी वो वेंटिलेटर पे हैं। हाँ एक मिनट, और हाँ पहले ही बता दूं, उनको कोरोना नहीं है, वो कैंसर के पेशेंट हैं। सो भगवान से प्रे करना कि वो ठीक होकर घर आ जाएं। और चलिए मैं रखती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ, कल मिलूंगी, बाय बाय।